वेलकम बैक टू माय ब्रेकिंग सीरीज पार्ट 4। और इस वीडियो में करूंगा जॉइंट ओरिएंट को सही। लेकिन लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्यों, आखिर क्यों करना पड़ता है जॉइंट ओरिएंट को सही। कोई भी रिग मॉडल माया से एक्सपोर्ट करते हो और किसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हो, खास करके अनरियल इंजन पर बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए करना पड़ता है जॉइंट ओरिएंट को सही। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा कॉक जॉइंट को, एंड कॉक जॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा सिलेक्ट पर, एंड यहाँ पे जाऊंगा हाई रसी, एंड इस पे कर दूंगा क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो जाएंगे सारे जॉइंट सिलेक्ट। अब मैं जाऊंगा डिस्प्ले पर, एंड उसके बाद जाऊंगा ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले, उसके बाद जाऊंगा लोकल रोटेशन एक्सेस पर, कर देना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लोकल रोटेशन एक्सेस विजिबल होता हुआ। सो अब हम यहाँ पे जाएंगे स्केलेटन पर, एंड जाएंगे ओरिएंट जॉइंट पर, एंड इसके ऑप्शन बॉक्स को करूंगा ओपन। कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले मैं कर लूंगा रीसेट, एंड रीसेट करने के बाद मैं प्राइमरी एक्सेस लूंगा वाई, सेकेंडरी एक्सेस लूंगा जेड, एंड सेकेंडरी वर्ल्ड ओरिएंटेशन लूंगा जेड। और आप चाहे तो कोई भी प्राइमरी एक्सेस ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर अनरियल यूजर एमिनेटर मांगते हैं वाई पे। सो यहाँ पे कर दूंगा मैं अप्लाई। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे जॉइंट जो है वो सही होता हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेड जॉइंट और चिन जॉइंट जो है वो सही नहीं है। सो मैं चिन जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड मैं ऑरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड को करूंगा चेक, एंड पर कर दूंगा अप्लाई। अब मैं जॉ जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड पर प्रेस करूंगा शिफ्ट वी टू अनपेरेंट, एंड आइस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड पर प्रेस करूंगा शिफ्ट वी टू अनपेरेंट, एंड हेड जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड पर कर दूंगा अप्लाई। अब मैं आइस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड हेड जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड पर प्रेस करूंगा पी टू पेरेंट, एंड जॉ जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड हेड जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड पर प्रेस करूंगा पी टू पेरेंट। अब कर लेना अच्छे से चेक, यहाँ पे सब सही है। अब मैं फिर से कॉक जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट वन टू सिलेक्ट हायरसी। ये मेरा हॉट किस है, और अगर आपको हॉट किस के बारे में पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप देख सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी पर, जिससे लोकल एक्सेस हो जाएंगे इनविजिबल। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहिए। अब मान लीजिए किसी जॉइन हायरार्की के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट के ओरिएंट को करना है सही, तो आप कैसे करोगे? सो इसके लिए सिंपली आपको करना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट को सिलेक्ट, एंड यहाँ पे करना है ओरिएंट चिल्ड्रन ऑफ सिलेक्शन जॉइंट को अनचेक, एंड यहाँ पे कर देना है अप्लाई। सो वो हो जाएगा ठीक। सो मैं इसको कर लूंगा चेक, एंड मैं इस केमिकल जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट वन टू सिलेक्ट हायरार्की, एंड टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी पे करूंगा क्लिक, और मैं ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड को करूंगा अनचेक, एंड मैं कर दूंगा अप्लाई। सो अप्लाई करने के बाद कर लेना अच्छे से चेक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगर एंड जॉइंट जो है और रिस्ट जॉइंट जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं फिंगर एंड जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, एंड मैं ऑन करूंगा ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड को, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा अप्लाई। सो ये फिंगर जॉइंट जो है वो सही हो जाएंगे, एंड मैं इन मेटल जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट पी टू अनपेरेंट, एंड अनपेरेंट करने के बाद मैं रिस्ट जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। अब मैं फिर से मेटल जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट, एंड रिस्ट जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा पी टू पेरेंट, एंड अच्छे से कर लेना है चेक सब सही है कि नहीं। और मैं इन फिंगर जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट वन टू सिलेक्ट हायरार्की, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा ई टू रोटेट, एंड यहाँ पे रोटेट करके भी देख लूंगा। सो ये बढ़िया रोटेट कर रहा है, सो मैं इसको करूंगा अनडू। अब मैं थंब जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट, एंड प्रेस करूंगा शिफ्ट वन टू सिलेक्ट हायरार्की, एंड मैं जेड एक्सिस पे करूंगा रोटेट। तो आप देख सकते हो ये थंब जॉइंट जो है वो सही रोटेट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको करूंगा अनडू। एंड अनडू करने के बाद मैं इस जॉइंट को करूंगा सिर्फ सिलेक्ट, एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा F7 टू कंपोनेंट मोड। आप चाहे तो इस आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हो, एंड उसके बाद जाना है इस क्वेश्चन मार्क आइकॉन पर, एंड करना है राइट क्लिक, एंड उसके बाद देखने को मिलेगा लोकल रोटेशन एक्सेस, सो इस पे करना है क्लिक। अब मैं इन जॉइंट्स को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा ई टू रोटेट, एंड मैं इनको कर लूंगा रोटेट। सो बेहतर व्यू के लिए मैं जाऊंगा फ्रंट व्यू पर, एंड प्रेस करूंगा F, एंड मैं इनको कर लूंगा रोटेट। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है।
जस्ट लाइक दैट एंड मैं प्रेस करूंगा क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड प्रेस करूंगा F8 टू ऑब्जेक्ट मोड एंड मैं यहां पे प्रेस करूंगा Shift 1 टू सेलेक्ट हायरार्की एंड प्रेस करूंगा E एंड मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड इसको रोटेट करके देखूंगा सो मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया थोड़ा कम करना पड़ेगा सो मैं यहां पे फिर से प्रेस करूंगा F7 एंड मैं इन जॉइंट्स को फिर से करूंगा सेलेक्ट एंड अब प्रेस करूंगा E एंड मैं रोटेट करूंगा कुछ इस तरह से सो अब ये सही है सो मैं यहां पे प्रेस करूंगा Q एंड यहां पे प्रेस करूंगा F8 टू ऑब्जेक्ट मोड जस्ट लाइक दैट एंड यहां पे प्रेस करूंगा E एंड रोटेट करके देख लूंगा सो अब जो है ये सही काम कर रहा है अच्छे से चेक कर लेना है सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है सो मैं इसको करूंगा अनड्यू कुछ ज्यादा अनड्यू हो गया सो मैं इसको कर लिया है अनड्यू एंड यहां पे प्रेस करूंगा क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड अब क्यूबिकल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा Shift 1 टू सेलेक्ट हायरार्की अब मैं क्लिक करूंगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी पर इससे ये हो जाएंगे सारे इनविजिबल अब मैं थंब जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा W सो आप यहां पे देख सकते हो इसका जो ट्रांसलेट वैल्यू है वो तो सही है लेकिन अगर मैं यहां पे प्रेस करता हूं E तो आप देख सकते हो इसका जो रोटेशन वैल्यू है वो सही नहीं है और मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो मैं एट्रिब्यूटर्स को करूंगा ओपन एंड आपको यहां पे देखने को मिलेगा कुछ वैल्यूज रोटेशन एक्सिस पर सो ये बहुत प्रॉब्लम करता है चोरी-चोरी चुपके-चुपके सो इसको करेंगे हम ठीक रिको मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्व कुछ इस तरह से सो इसके लिए मैं ओपन करूंगा स्क्रिप्ट एडिटर सो इस आइकॉन पे करना है क्लिक एंड यहां पे ओपन हो जाएगा स्क्रिप्ट एडिटर और आप चाहे तो सिंपली विंडोज पर जाएं जनरल एडिटर एंड आपको नीचे देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट एडिटर आप चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं सो अब मैं यहां पे करूंगा थोड़ा बहुत कोड रन सो सबसे पहले मैं यहां पे प्रेस करूंगा Shift 1 टू सेलेक्ट हायरार्की एंड मैं अपना कोड को कर लूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर सो आप यहां पे देख सकते हो 0 होता हुआ इसका मतलब ये है कि सब सही तो मैं यहां पे स्क्रिप्ट एडिटर को कर दूंगा बंद एंड एट्रिब्यूटर्स एडिटर को भी कर दूंगा बंद सो अब मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा लेग जॉइंट को एंड लेग जॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे प्रेस करूंगा Shift 1 टू सेलेक्ट हायरार्की एंड टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी पे करूंगा क्लिक सो यहां पे हो जाएंगे सारे विजिबल एंड मैं ओरिएंट जॉइंट टू वॉल को करूंगा अनचेक एंड यहां पे कर दूंगा अप्लाई सो अप्लाई करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का सो मैं पे चेक करूंगा और आप देख सकते हो बॉल एंड जॉइंट और एंकल जॉइंट जो है वो सही नहीं है सो मैं बॉल एंड जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे ओरिएंट जॉइंट वॉल को करूंगा चेक एंड यहां पे कर दूंगा अप्लाई अब मैं बॉल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा Shift P टू अनपेरेंट एंड एंकल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे मैं कर दूंगा अप्लाई एंड आप देख सकते हो एंकल जॉइंट पर ओरिएंट जॉइंट वॉल पे अप्लाई करने के बावजूद भी ये सही नहीं है सो एक्चुअली ये वाई रहेगा सामने जेड रहेगा ऊपर और एक्स रहेगा साइड में और ये करने का फायदा ये है जब एमिनेटर रन एमिनेट करेगा या साइकिलिंग एमिनेट करेगा तो फुट प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होता है सो यहां पे प्रेस करूंगा F7 एंड मैं इस जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड फिर प्रेस करूंगा E एंड मैं जाऊंगा राइट व्यू पर एंड यहां पे प्रेस करूंगा F और मैं इसको कर लूंगा रोटेट जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहां पे जाऊंगा टॉप व्यू पर एंड मैं यहां से भी कर लूंगा रोटेट मेक श्योर कर लेना इस जॉइंट के साथ ये मैच कर रहा हूं सो मुझे लगता है ये ठीक है सो यहां पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड प्रेस करूंगा F8 टू ऑब्जेक्ट मोड अब मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड बॉल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड एंकल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा P टू पैरेंट अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा Shift 1 टू सेलेक्ट हायरार्की एंड यहां पे क्लिक करूंगा टॉगल लोकल एक्सेस विजिबिलिटी पर सो ये हो जाएंगे गायब अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड कॉक जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा P टू पैरेंट एंड केमिकल जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड शोल्डर जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट एंड यहां पे प्रेस करूंगा P टू पैरेंट सो हमने कर लिया है जॉइंट ओरिएंट को सही एंड इस वीडियो में इतना ही देखते रहिए सैड इफेक्ट्स एक्सप्रेस 3D का दीवाना